नमस्ते दोस्तों, मुंडा किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सरसों के अंदर तीसरा और लास्ट पानी लगा रहे हैं। तो ये हम तीन मोटरें चलाएंगे और एक ट्रैक्टर पर बोरवेल है उसको चलाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये है ट्रांसफार्मर और ये इसका ऑयल वाला स्टार्टर, जो हमारे खेत के अंदर जो मोटर लगी थी तो उसके अंदर वो दूसरा ये स्टार्टर है। तो उसके अंदर ये ऑयल नहीं डलता है, इसके अंदर ऑयल डलता है और ये यहाँ से चालू होता है और यहाँ से बंद हो जाता है। और इसका ये ऑटोमेटिक सिस्टम अलग से लगा हुआ है, तो इसे भैया भी बोलते हैं हमारे, कि ये भैया है। तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है ये, तो इसको चार बार पर लगा हुआ है ये, तो चार बार ये पानी उठाएगी, क्योंकि पानी नीचे चला गया है इसलिए इसको चौथी बार में पानी उठाएगी ये मोटर, तो वहाँ पर पाइप लाइन पर पानी निकल जाएगा। और एक मोटर वो रही और एक मोटर वहाँ पर है, वो हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, ये गोविंद सड़क पर टहल रहा है। तो ये एक बीघे की पाइपलाइन है इनकी, तो ये रही मोटर, देख लीजिए। तो लगभग यहाँ पर मोनोब्लॉक ही है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा समरसिपल नहीं है। एक दो खेत के अंदर है समरसिपल, जैसे मेरे दूसरे खेत के अंदर हम पानी लगाते हैं वहां पर समरसिपल है, तो मैं उसकी समरसिपल की भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा, आप देखिए वो भी वीडियो। और मेरे उस खेत के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर लगा है, तो मैंने आपको बताया है किस तरह से ट्रांसफार्मर हमारे लगा, कितना खर्चा आया करंट कनेक्शन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी वॉच कर सकती हैं। मैं इस चैनल पर लाइफस्टाइल व्लॉग डालता रहता हूँ, विलेज लाइफ वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, इसमें ये मीटर है, इसका मुझे पता नहीं किस काम की है ये मीटर, शायद ये तो खराब हुए हैं, ये इनके फ्यूज हैं। तो चलते हैं उस तरफ, मैं आ गया हूँ दूसरी मोटर पर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने तो कुछ सिस्टम अच्छा बना रखा है, ये एक छोटा सा मकान सा बना रखा है, मेरे ऊपर ये मंदिर है, तो मंदिर के अंदर इन्होंने तो कोई मूर्ति मारती है नहीं। और ये इनका भी स्टार्टर ऑयल वाला स्टार्टर ही है, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इनका ऑटोमेटिक खराब है, तो यहाँ से मुझे इस मोटर को चलानी पड़ेगी, ये देखिए। और ये रही मोटर, तो यही मोनोब्लॉक ही है, ये देख लीजिए इस तरह से है मोनोब्लॉक, इसे मोनोब्लॉक बोलते हैं। तो ये 10 की मोटर है दोस्तों और इनका ट्रांसफार्मर वो रहा, तो ये शायद 15 का ट्रांसफार्मर है, तो 15 के ट्रांसफार्मर पर 10 की मोटर आराम से चल जाती है, ज्यादा लोड नहीं लेती है। तो इसमें वो एम्पेयर मीटर बोलते हैं, वो है तो सुरी, मैंने कई बार देखा ये सभी मीटर खराब हुए हैं, कोई काम नहीं करता है। ये इनकी गेहूं और ये है नहर, ये है गांव बुना वाली डानी है दोस्तों। इस नहर के दूसरी तरफ मुझे तो यहाँ से थोड़े थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं, कुछ धुंध सी है तो आपको वीडियो के अंदर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इस मोटर को भी चालू करेंगे और इन सभी मोटरों का पानी लगभग खारा ही है दोस्तों, मीठा पानी नहीं है यहाँ पर। ये सभी फसलें इसी इन्हीं मोटरों से पकती है, तो कोई फसलों के अंदर तो दिक्कत नहीं आता है, वैसे पी लेते हैं ना फिर तो पेट के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी और फिर भागना पड़ेगा बोतल, या क्यों खेतों के अंदर तो बोतल ही होती है, बोतल को लेकर तो दस्त लग जाती है। बस पियो काम चालू, पियो काम चालू, बस। तो दोस्तों, पानी साथ में लेकर आना पड़ता है घर से पीने के लिए, खेत में चाय बनाने के लिए। तो आपने मेरी वो दूसरी वीडियो देखी होगी पहले वाली, तो उस वो मोटर का पानी मीठा है, तो यहाँ पर हमारे कुछ स्थान पर मीठा पानी है और कुछ स्थान पर खारा पानी है, और कुछ स्थान पर मीडियम है खारा, ज्यादा ना कहें ज्यादा मीठा भी ना कहें, इस तरह से पानी है। तो मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मुंडा गाँव से हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे गगर भी निकलती है, तो उस गगर का पानी जहाँ से निकलता है गगर, तो उसके दोनों तरफ एक मरबा उस तरफ और एक मरबा इस तरफ, दोनों तरफ है ना लगभग मीठे पानी है, तो वहां से किसान पाइपलाइन के द्वारा भी मोटर लगा लेते हैं, कोई जगह वहां से खरीद लेते हैं, फिर करंट कनेक्शन ले लेते हैं। तो मैंने करंट कनेक्शन बताया आपको, लगभग 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं करंट कनेक्शन के, और वहां से जगह वो खरीद लेते हैं और वहां पर कनेक्शन लेते हैं, फिर पाइपलाइन के द्वारा 3-3, 4-4 किलोमीटर, किसी के 1 किलोमीटर दूर इस तरह से पाइपलाइन ले जाती हैं। तो यहां के किसान जिसके मीठा पानी है वो अपना जगह दे देते हैं, रुपए में देते हैं, वैसे तो नहीं देते हैं, और अब उन किसानों का अच्छा गुजारा हो जाता है। तो ये देखिए गेहूँ है उनकी, ये सरसों। तो यहाँ पर ये एसी के खेत के अंदर है ये तीनों मोटर हैं दोस्तों, तो इन्हों
एसी के यहाँ पर लगभग महीने डेढ़ महीने के अंदर कनेक्शन आ जाता है हमारे ओबीसी के अंदर रूम में, तो ओबीसी के जो भी कनेक्शन होते हैं वो जल्दी से कनेक्शन नहीं आते हैं, लगभग 5-6 साल लग जाते हैं कनेक्शन आने के लिए, और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तब तक डीजलों से ही बोरवेल के ऊपर इंजन से ट्रैक्टर से ही पानी लगाना पड़ता है। तो हमारे मेरे आपके खेत के अंदर तो आयसर ट्रैक्टर वाला इंजन है, वो हमने रख रखा है, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की, क्योंकि नहर की इतनी बंदी भी नहीं आती है। फिर हम ठेके भी लेते हैं ज़मीन, तो घर की ज़मीन के अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं आती है, तो हम वहाँ पर मैंने आयसर ट्रैक्टर का इंजन रख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी वायरल हुई है, लगभग 1 लाख के लगभग उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। लाइट आ चुकी है, तो ये देखिए इसका स्टार्टर खराब है, तो ये ऑटोमेटिक से ही चकेगी। तो अभी तक इसने पानी उठाया नहीं है, तो दोबारा बंद करते हैं, फिर चलाते हैं। फिर भी नहीं उठाया इसने है, तो ये उठा लिया है दोस्तों पानी मोटर ने। तो इसका वाटर लेवल है दोस्तों लगभग 18-19 फुट का है, 18-19 फुट पर नीचे जिसे चौवा बोलते हैं हमारे वाटर लेवल है। तो ये देखिए पानी उठा लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाइपलाइन से लगभग 4 बीघे दूर जाकर पानी निकल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है पानी, वो मोटर भी चल गई है और वो मोटर भी चल गई है, तो इन सभी मोटरों का 5 इंची प्रेशर का पानी है। तो ये देखिए दोस्तों ये है गोबर, इसके अंदर गोबर डालना पड़ता है, इसका पत्ता खराब है फिक्स वाल का, तो गोबर खाऊ बोर बोलते हैं हम इसको, ये सही नहीं करवाते हैं। अब आ गए हैं खेत के अंदर, ये पानी आ गया है खेत के अंदर दोस्तों। तो ये तोड़ था जो हमने जेसीबी से इसको बंधाया था, और फिर मैंने इसकी मरम्मत की, ये ईंटें लगाकर सीमेंट लगाकर इस तोड़ को तैयार किया। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। ये इधर चाय बन गई है तो हम चाय पियेंगे। तो ये देखिए पानी अभी आया है, और दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।